मुख्तार की मौत से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी का बेटा, जब तक पिता की मौत की खबर वहां तक पहुंचती तो बेटा अब्बास अंसारी जेल में पूरी तरीके से सोया नहीं। यानी कि जब से मौत की खबर अब्बास अंसारी को मिली थी, अब्बास अंसारी जेल में सो नहीं पाया। खबर यह है कि वो टीवी पर या मोबाइल पर पिता का चेहरा देखने की मिन्नतें करता रहा। वो हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी रात टहलता रहा, बेचैन रहा, रोता रहा। बड़ी अपडेट ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनते ही बेटा परेशान हो उठा। अब्बास अंसारी जेल में पूरी रात सो नहीं पाया। खबर यह है कि वो टीवी पर ही सही या फिर मोबाइल पर किसी भी माध्यम से पिता का आखिरी बार चेहरा देखने की मिन्नत करता रहा। हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी रात टहलता रहा, रोता रहा, बेचैन दिखाई दिया। तो मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में दफन कर दिया गया, लेकिन अपने पति को आखिरी बार देखने के लिए उसकी पत्नी अफशा अंसारी पहुंची ही नहीं। अफशा अंसारी करीब एक साल से फरार चल रही है, उन पर 75,000 का इनाम घोषित है। वहीं कासगंज जेल में बंद मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी अपने पिता के अंतिम सफर में शामिल नहीं हो पाया। वो कासगंज जेल में बंद है और उसे पैरोल नहीं मिल पाई है। आतंक का पर्याय रहा गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया है। उस पर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। देखिए, एक माफिया जिसका 40 साल चला साम्राज्य, एक बाहुबली जिसका 26 साल का सियासी सफर, एक अपराधी जिसका सियासी गढ़ रहा मऊ, एक डॉन जिसका पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर दबदबा, वो था मुख्तार अंसारी। उसकी 7 साल पहले हुई उल्टी गिनती शुरू। पच्चीस साल की उम्र में पहली FIR। कभी क्रिकेट की दुनिया का ऑलराउंडर रहा मुख्तार अंसारी 80 के दशक में साधु मकनू गिरोह में शामिल हो गया। साल 1988 में पहली बार क्राइम की दुनिया में मुख्तार का नाम आया। आरोप था मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या का। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। तैतीस साल की उम्र में पहली बार MLA बना। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा पहुंचा। राजनीति में मुख्तार का रुतबा इसी से समझा जा सकता है कि अपने 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्तार अंसारी को सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा और वो था 1994 का गाजीपुर उपचुनाव। मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता था। मुख्तार को मिला था राजनीतिक संरक्षण। मुख्तार पर एक्शन लेने से बचती थी पुलिस। एक्शन लेने वाले अधिकारियों का होता था ट्रांसफर। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण की गवाही देते हैं 1991 बैच के PCS अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने 2004 में UPSTF के DSP रहते हुए एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। शैलेंद्र सिंह दावा करते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से तत्कालीन सरकार की ओर से मुख्तार पर से मुकदमा हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। कार्यों प्रेशर बनाया,
जब कोई नहीं सुना तो आईजी रेंज, आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद। 2017 से योगी सरकार के रडार पर था माफिया मुख्तार। लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण रहा। जेल में रहते हुए 2017 में आखिरी बार मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी गई और उसके बाद से ही उसके जुर्म के साम्राज्य के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर था कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जा छिपा और वहां से यूपी आने को तैयार नहीं था। मुख्तार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी शुरू हुई तो दूसरी तरफ माफिया के जुर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करने पर एक्शन शुरू हुआ। इसके बाद यूपी में बुलडोजर की गर्जना सुनाई देने लगी। मुख्तार के गैंग के 292 सहयोगियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। 160 मुकदमे भी दर्ज किए गए। इनमें से 186 सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल तक भेज चुकी है। वहीं 5 शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के करीब 2100 से भी ज्यादा अवैध कारोबार बंद कराए जा चुके हैं। सरकार के इस जबरदस्त एक्शन में मुख्तार अंसारी से संबंधित 605 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी की मौत पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस के पूर्व अधिकारी मौत पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बता रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। कभी अपराध का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत के बाद पूर्वांचल में जरायम की दुनिया का काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। Welcome to News 18 Shosha Reel Awards, where we celebrate extraordinary talents that bring stories to life. Thank you, News 18, for honoring me with this award. I'd like to thank News 18. I have to thank everyone associated with the film. This award is actually dedicated to the audience. बाउल दही में आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। यारो जोई, फिर में शॉर्ट सर्किट हो गया। शांता शांता शांता, नो चांस। घर में फिनोलेक्स के वायर्स ही नहीं, MCBs भी लगे हुए हैं। तो ये धुआं एंट्री स्मोकिंगली हॉट होगी, तभी तो रियल वायरस बनेगी। नो स्ट्रेस, फिनोलेक्स। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मद